बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई। जी तो अवे खबर है तो मुझे नालो रजाउन डंडन है। ही मुझो आसान सिंधी में वहाँ दोस्तों के लिए हिफाजती टुकन जो किताब लिखो है। अज ही मुझे यूट्यूब चैनल जो छो वीडियो है जो मैं अपलोड कर रो आयो इन लाके सागी रिक्वेस्ट कस त ये मुझे यूट्यूब चैनल की लिंक है इनके इनते यूट्यूब चैनल खोलो इन जहा वीडियो दिसो इन लाइक कयो कमेंट्स कयो शेयर कयो दोस्तन सा मुझे सब्सक्राइब भी कंदा इन चैनल के जी मुझी हौसला अफजाई थे बेल नोटिफिकेशन जी ते भी क्लिक कंदा तो जी मां जेके भी वीडियो अपलोड क्या वो अवां ताई सब का पैर पहुँचन। अज असा चैप्टर नंबर 6 कोल्ड चेन के बारे में आए। कोल्ड चेन थदियों सिलसिलो है उनते पान डिस्कस कंदासे। ये आए कोल्ड चेन सिस्टम माना जै कंपनी में वैक्सीन ठही उनका बार माह तक पहुँचने के सिलसिले के उन रुकाये टेम्परेचर यानि +2 डिग्री सेंटीग्रेड का +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ही वैक्सीन रखी करे कंपनी जैमें वैक्सीन ठही वे उतां खां वेंदे बार माह तक पहुँचने के सिलसिले के कोल्ड चेन सिस्टम चो है यानि थदियो सिलसिलो। ये सजो सिस्टम है जैके असा दिसी सको था ता कंपनी खां आई वरी मुल्क के स्टोर में आई मुल्क के स्टोर का प्रोविंस में आई प्रोविंस का डिवीज़न में डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का तालके से तालके का ईपीआई सेंटर से सेंटर का बार माह तक सिस्टम के मुताबिक पहुंची उन रुकाये टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड का +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ही इनके पहुँचाया वो। ही ईपीआई प्रोग्राम जो कोल्ड चेन सिस्टम जो बुधायो सभी वैक्सीन जो जो टेम्परेचर है वो +2 डिग्री सेंटीग्रेड का +8 डिग्री सेंटीग्रेड हों उन रखी वेंदी है इनमें जो भी वैक्सीन उन्होंने लाइ मॉनिटर करने लाइ कुछ इलेक्ट्रॉनिक शयूँ आन यानि जिनके जरिए असा इनके चेक कर सकूँ था तो कड़ी वैक्सीन खराब तो नी वही इस्तेमाल करण जड़ी पोजिशन में आए या न ये आए एकड़ो जो 30 डेज वो इलेक्ट्रिक टेम्परेचर लागर हाँ यो इन ये डिटेल है जहाँ डी सको था उन बाद में आए ये आए एकड़ो इलेक्ट्रिक फ्रीज इंडिकेटर हाँ इनके ये बिन किस्म चवन ये आएड़ो ये आए हाँ ये जै वक्त में वैक्सीन के एक जगह का बी जगह से शिफ्ट करबो तो ये इन में रखबा तो जी का वैक्सीन फ्रीज न थे फ्रीज जर थी वही होंगी तो ये बुधाई तो इन वैक्सीन फ्रीज थी वही है। ये एक बी इंडिकेटर है कोल्ड चेन मॉनिटर कार्ड इन में 4 कॉलम आन ये एकड़ो कॉलम बो कॉलम टों कॉलम चौथों कॉलम ये इन में जो अच्छो ये अच्छी जगह है ये ब्लू जगह है हाँ जैसे इन वैक्सीन की पोजिशन के मुताबिक ये ब्लू थींदा इनके ब्लू थी वन तो उनके इस्तेमाल कजे किए कजे ये सजो इन में हेट है लिखल है। जैसे मॉनिटर कार्ड दायरो ए नीरो थी वे तो ओपीवी वैक्सीन 3 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करो जैसे बी नीरो थी वे तो ओपीवी वैक्सीन बिल्कुल इस्तेमाल न करो ए मीजल्स वैक्सीन 3 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सको था। जैसे सी दायरो ब्लू थी वे तो ओपीवी मीजल्स वैक्सीन बिल्कुल इस्तेमाल न करो बाकी बियूँ जो वैक्सीन BCG IPV पेंटा PCV TT वैक्सीन या 3 महीनों तीन इस्तेमाल कर सकते थी। जैसे डी दायरो नीरो थी तो वे तो इन वैक्सीन इन दायरे इन वैक्सीन काई भी बल्कि
इस्तेमाल नहीं कर सकते। ए बी बी एम पोजिशन है, हाँ ए बी बी एम जो है ऐसी सको था तो चार स्टेजेस होंदियों, ये स्टेज एक, स्टेज ब, स्टेज टे, स्टेज चार। हाँ इन स्टेज वन में इन जो ये चौकुंडो है यो वाइट है, इनमें ये चौकुंडो हल्को कासनी कलर थो, ये चौकुंडो बाहरों भी कासनी आ अंदर भी कासनी थी, ये बाहर कासनी आ अंदर डार्क कासनी थी। तो इन बिन सूरत में जो वैक्सीन जो यो बी बी एम हो इस्तेमाल न करो, जर स्टेज वन में आए तो इस्तेमाल कर, जर स्टेज टू में आए तो इस्तेमाल कर, पर जल्दी खपाने ही वैक्सीन के कोशिश कर। ये वैक्सीन जो टेम्परेचर ये मां बुधायो तो प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड का प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन नॉर्मल रेंज है, जैसे ये रेड के हिस्से में वे तो माना माइनस में आ तो वैक्सीन खराब थी वी, ए जैसे ये ब्लू में प्लस 8 को पो हलो तो वे तो माना यह वैक्सीन जो इस्तेमाल नथा कर सकूं असा रेड ए ब्लू की सूरत में। ए वी वी एम जो मैं बुधायो इन डिटेल है, ए वी वी एम 7 वी वी एम 14, हाँ वी वी एम 7 14 हेठ हली दिसदे तो इनके जर प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड से हों तो ये पोजिशन थी वी इन उनके किए इस्तेमाल कर सकते। बो आ वी वी एम 30, ये उनमें वी वी एम 14 वी वी एम 7 वी वी एम 2 इनके किए इस्तेमाल कजे ये ऐसी सोता इन कैटेगरी है केतरे टेम्परेचर से मान रूम टेम्परेचर जो हों 37 डिग्री सेंटीग्रेड हों तो ये वी वी एम 30 वाली वैक्सीन अस 30 डी इस्तेमाल कर सकूं था। नंबर ऑफ डेज एंडिंग पॉइंट इन आखिरी पॉइंट तई 200 जो सो 93 डेज में ये एंड पॉइंट से अची वो अड़े सागे तरीके से वी वी एम 14 वी वी एम 7 ए वी वी एम 2 की भी ये डिटेल लिखल है। हाँ वी वी एम जो गर्मी से रिएक्शन हाँ उनमें ये जो हर एक वैक्सीन जो लिखल है तो इन वैक्सीन से कड़ो वी वी एम आ तो उनके अस 37 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत घणन ढीह इस्तेमाल कर सकते तो एंड पॉइंट केतरे तई इंदी, ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये घणा ढीह अस इस्तेमाल कर सकूं था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से रखूँ तो केतरा ढीह इस्तेमाल जड़ी पोजिशन होंगी इन वैक्सीन की। ये सभी की हर एक के वी वी एम अलग अलग है, वो जो जो उन वैक्सीन के मत है वी वी एम वो इन डिटेल है। हि उ वैक्सीन है जो वायल खुली वे या बीहर उनके वे जी खास कर बीसीजी मिजल्स जो वायल उनके बई वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड होंदन, उनके खास पानी उनमें जो उन डायलेंट हों वो मिलाए कर इस्तेमाल ठाबी आ उन ठहण का अस जी बीसीजी है वह 6 कलाक इस्तेमाल कर सकूं था फिक्स सेंटर से। आउटरीच में भी यानी जैमल फील्ड में वनों तद भी 6 कलाक या एक सेशन, जर एक सेशन 4 कलाक में पूरो थियो तो वो वायल इस्तेमाल न कयो, सागो ही वायल बी जाए ते खणी वनी इस्तेमाल करण मना है, इन करे एक सेशन या 6 कलाक। एक वायल में केतरा डोज हूँ या उनकी है तो बीसीजी जो जो वायल है उनमें एम्पुल है उनमें 20 डोज हूँ, मुख्तलिफ़ इंदा कंमें 10 हूँ कंमें 50 डोज भी हूँ, सागे तरीके से ये ओपीवी उनमें 20 डोज हूँ वो कें इस्तेमाल कजे अड़े सभी की ये डिटेल सामू है। हि वैक्सीन जो वायल उनको एक डोज उनको जो सो वॉल्यूम केतरो हों, हाँ ये एक वैक्सीन है जैमें 50 वायल एक बॉक्स में हूँ 20 डोजन की होंगी, उनको वॉल्यूम बीसीजी जो 1.3 है, बी वरी एक वैक्सीन है उनको 1.6 है, अड़े नमूने से हेपेटाइटिस बी जो जो सिंगल डोज है जो वाय एम्पुल हों वो 35 हूँ उन बॉक्स में उनको 16.8 है, अड़े सागे तरीके से सभी जहा लिखल तो कड़ो वैक्सीन जो केतरो इन जो
वॉल्यूम आहे ऐं केतिरो स्पेस उहो पलारींदा आहिनि। हे सिरिंजिस जो अहिड़े नमूने सां वॉल्यूम हूंदो आहे त हीअ जेका मथे आहे एडी सिरिंज 0.05 ml फॉर BCG लाइ जेका हूंदी आहे सिरिंज, हुन में हिकु पॉकेट में 100 हूंदियूं आहिनि सिरिंजूं। 37.5 हिन जो वॉल्यूम आहे। अहिड़े नमूने सां ॿी हे सॼी डिटेल आहे हर हिकु सिरिंज जी त कहिड़ी केतिरी उन जो वॉल्यूम छा आहे। हे रेफ्रिजरेटर आहिनि। रेफ्रिजरेटर जा हिन जो नालो छा आहे, हुन जो मॉडल कहिड़ो आहे ऐं हुन जी टाइप छा आहे। हुन खां पोइ हाणे जीअं हे पहिरें नंबर ते आहे MK074 ऐं MKF074। इहे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हूंदा आहिनि। हिन खे जेका असां ग्रास कैपेसिटी हिन जी 46.5 लीटर आहे ऐं हुन खां पोइ हुन जो नेट कैपेसिटी आहे 20 लीटर ऐं हुन खां पोइ जेको आहे सो हुन जी जेका आहे असां उहा होल्ड ओवर जेका लाइफ आहे उहा 32.5 आहे। हे सभिनी जो अहिड़े हर हिकु रेफ्रिजरेटर जे क़िस्म जो हुन जे साम्हूं हे सॼी डिटेल लिखियलु आहे। हाणे हे वायल आहे, इन जी असां कीअं माप कंदासीं त हे जीअं हिकिड़ो पॉकेट आहे हुन में एतिरा वायल आहिनि त इन जी असां ड्रेग मापींदासीं, वेकर मापींदासीं ऐं ऊचाई मापींदासीं त पोइ इन जो वायल जो असांखे अची वेंदी डिटेल त इहो केतिरी जाइ केतिरो स्पेस इहो पॉकेट वलारींदो। साॻे तरीक़े सां रेफ्रिजरेटर जी बि हाइट वेर्थ डेप्थ इहा इन जे ज़रिए इहा कढबी। अहिड़े नमूने सां शेल्फ आहे, इन जे बि अहिड़े तरीक़े सां हाइट वेर्थ ऐं डेप्थ इहे शयूं मापींदासीं त इन जी साइज़ जी ख़बर पइजी वेंदी। हीअ हिकिड़ो जेका गाॾी आहे जंहिंखे फ्रीज़िंग वैन चइबो आहे, हिनखे इन ज़रिए असां वैक्सीन हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं शिफ्ट करण में इहा गाॾी कमु ईंदी आहे, जंहिंमें हे पोयों सॼो फ्रीज़र आहे ऐं इन में जेको आहे सो फ्रीज़र न बल्कि जेको आहे सो रेफ्रिजरेटर चऊं +2°C खां +8°C टेम्परेचर हिन जो हूंदो आहे। इन में वैक्सीन रखी करे असां हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं पहुचाए सघूं था ऐं पहुचाईंदा आहियूं। हीअ हिन जी डिटेल आहे। हीअ हिकिड़ो कोल्ड रूम आहे जेके डिवीज़न लेवल ते बि आहिनि, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते बि आहिनि, पर हाणे त तालुके लेवल ते बि अॻियां पिया वञनि त इन में असां इन इहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हूंदा आहिनि जेके प्लस टेम्परेचर जा बि हूंदा आहिनि ऐं माइनस जा बि हूंदा आहिनि। डिवीज़नल लेवल ते जेके हूंदा आहिनि उहे माइनस जा बि हूंदा आहिनि, प्लस जा बि ॿई हूंदा आहिनि। हिन में वैक्सीन खे स्टोर कयो वेंदो आहे। हीअ आइसलैंडिंग रेफ्रिजरेटर आहे। हिन जी तव्हां ॾिसी सघो था जंहिंजो मॉडल आहे वेस्ट फ्रास्ट MF314। हिन जी जेका ग्रास वॉल्यूम आहे इहा 323 लीटर आहे ऐं इन जो जेको स्टोरेज कैपेसिटी आहे उहा आहे 234 लीटर। अहिड़े नमूने सां हिनखे इहा डिटेल ॿी बि हिन जी हेठि आहे जेका सॼी जेकॾहिं पढ़ंदो वेंदुसि त मां सम्झां थो त वीडियो जी लेंथ वॾी वॾी थी वेंदी। इन करे थोरो आइसलैंडिंग रेफ्रिजरेटर ॿिए क़िस्म जो आइसलैंडिंग रेफ्रिजरेटर आहे। हिन जो नालो आहे वेस्ट फ्रास्ट MK074। हाणे हिन जो जेको ग्रास वॉल्यूम आहे उहो 46 लीटर ऐं वैक्सीन स्टोरेज कैपेसिटी आहे 20 लीटर। हीअ सोलर रेफ्रिजरेटर आहे। हीअ सिस्टम आहे हिन में कीअं सोलर हिन में इंस्टॉल कबो आहे ऐं इहे रेफ्रिजरेटर हलंदा आहिनि। हीअ कोल्ड बॉक्स आहिनि, कोल्ड बॉक्स आहे। हिन में हे अंदरि आइस पैक्स रखियल आहिनि। इन्हनि जे विच में जेको आहे सो हिते वैक्सीन रखी करे मथां वरी आइस पैक्स जी तह ॾेई ऐं हिन जो ईअं ढकिणो बंदि करे पोइ असां हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं इन जे ज़रिए बि वैक्सीन पहुचाए सघिजे थी या दूर दराज़ इलाइक़नि में बि इहा वैक्सीन इन में खणी वञी इस्तेमालु करे सघिबी आहे ऐं कंदा आहियूं। इन में इन्हनि जी बि ईअं हूंदो आहे त हीअ केतिरी कैपेसिटीअ जो आहे। इन जी बि हीअ डिटेल पाण साम्हूं आहे। इन जो टेम्परेचर जेको रहंदो आहे उहो +2°C खां
प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड ते रखो आ ही वैक्सीन कैरियर आ इन में भी ही कैरियर आ है इन में वैक्सीन शिफ्ट कबिया फील्ड में खड़ी मंजबा इन में अंदर आइस पे एक्सान ये न ढकन आए या इन फॉर्म आए यो फॉर्म इन मथों वैक्सीन के इन में विझी ये फॉर्म मथों डिबो आ तो जी है वैक्सीन खराब न थे इन ढकन बंद कर ये इन बकाया डिटेल है जैके अवी सोता इन टेम्परेचर प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड का प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड से होंगे ये वैक्सीन कैरियर इनके स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर चब जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में इस्तेमाल कब ये वैक्सीन कैरियर जो नंढड़ो यो सिर्फ पोलियो कंपेन्स में इस्तेमाल कर सकते तो ये रूटीन में इस्तेमाल नो कर सके छो तो इन में ब आइस पैक्स रखबा इन को इन में वैक्सीन की गुंजाइश भी न होंगी तो इन करें में एक जो वैक्सीन कैरियर ये सिर्फ ए सिर्फ पोलियो कंपेन्स में इस्तेमाल कर सकते तो इनके रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। ये आइस पैक्स इन आइस पैक्स में 0.6 लीटर्स पानी होंगे इन में 0.4 लीटर इन में 0.3 लीटर पानी इन में होंगे ये एक वैक्सीन आइस पैक है ये एक मानू है जो इनके लोडाए तो जी इन जो जमियल ना है तो इन में पानी छुलक इन जो आवाज़ भी बुध तो यो हला इस्तेमाल करने जड़ी पोजिशन में है या ना हाँ ये एक तरीको है जो असली जो इस्तेमाल कबान आइस पैक्स इन रेफ्रिजरेटर में कढ़ी उनके थोड़ी देर जला टेबल से रखो उन बाद में जो सो इनके खड़ी करे कपड़े का साफ करे पो रेफ्रिजरेटर इन पांजे वैक्सीन कैरियर में रखो तो जी बाद में इन में वैक्सीन वेझो छो तो जर ये फ्रीज हुंदा तो इन में जो वैक्सीन रखबी वह भी फ्रीज थी वेंदी कोड वैक्सीन अड़ी हैं जो इस्तेमाल करण में नथी कर सकन ये इन की डिटेल है जैसे अब ऐसी सोता ये रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करण का पैर कड़ी शय जो ख्याल रखो पव ये उन डिटेल है ये ऐसी सोता कड़ी शय की जरूरत पवी कड़ी जगह पर रखे ए उन वोल्टेज स्टेबलाइजर यो तमाम जरूरी है छो तो लाइट जो झटकन हुजण के करे या वोल्टेज पूरा न मिलण के करे रेफ्रिजरेटर के नुकसान जी न पहुंचे। रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन की है केड़ी वैक्सीन केड़े हिस्से में रखबी है ये उन डिटेल है ये ऐसी सोता तो इतने फ्रीजिंग चेंबर में सिर्फ पैक्स रखबा बाकी इतना का वी एतरे ताई ये वैक्सीन रखबी वरी हेठे हिस्से में वरी पैक्स रखबा ए पैक्स रखने जो जो तरीको वो भी ये एक बे मथा न रखबा ऐसो था ये साइड में या बिहार वह ये आइसलैंडिक रेफ्रिजरेटर इन में बेसा एडो माइनस है एडो प्लस है माइनस में सिर्फ ए सिर्फ आइस पैक्स रखबा इन में वैक्सीन इन तरतीब से रखबी एनसा गड़ो गड थर्मामीटर रखबो तो जी अस टेम्परेचर की खबर पवे तो टेम्परेचर प्रॉपर है या ना ये ऐसो येड़ी ये भी तरीको है ये आइसलैंडिक रेफ्रिजरेटर इन में वैक्सीन कि रखबी है रेफ्रिजरेटर कदें क्या डिफ्रॉज कर डिफ्रॉज का मतलब यो है जैमल वैक्सीन रख भी पई है उन में रेफ्रिजरेटर की पोजिशन यह है तो उनमें 5 मिलीमीटर का फ्रीजर फ्रीजिंग चेंबर में बर्फ वधिक जमी हुई है तो उन में उनके फौरन डिफ्रॉज कयो यानी कि हाँ उन इन डिफ्रॉज कि कबो आ उन तरीको ये है तो रेफ्रिजरेटर के डिफ्रॉज करण का पैर उनमें जो वैक्सीन रखल है आइस पैक्स डायलेंट मॉनिटर थर्मामीटर कढ़ी कोल्ड बॉक्स में रखो बाद में रेफ्रिजरेटर के बंद करो ए बिजली के बोर्ड में प्लग कढ़ी छो रेफ्रिजरेटर के उन बाद में उन दरवाजो खोले छोड़ो ए बाद में ज
जैमल रेफ्रिजरेटर जी बर्फ़ पिघिरज वे तो साफ़ कपड़े से उनके या कपह से साफ़ कर बाद में उन रेफ्रिजरेटर के हल्ए छ जै वक्त टेम्परेचर प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड का प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड के विच में अचे तो उनमें वैक्सीन रखो बाद में इन का पैरें आ न छो तो जैसे अस खोलिंदे जितनी देर वैक्सीन रखने में लगती तो उनका टेम्परेचर वधी सके तो इन कर मतलब इन टेम्परेचर से पहुंचे तो बाद में अवां वैक्सीन रखो। उन ये शेक टेस्ट होंगी शेक टेस्ट जैम जै वायल में शक थे तो फ्रीज थी तो उन इस्तेमाल न कबो आ फ्रीज थियल वायल की शेक टेस्ट इन तरीके से कबी है ये ऐसो उन शेक टेस्ट करण का ये टे शिकलू थी वन जोजिशन में हो वायल इस्तेमाल कर जैसे ये जरा हेट जमी हेट लही पवन ए तरे में बीहन तो ये भी इन वैक्सीन के बिन्ही के इस्तेमाल न कर ये शेक टेस्ट है। ये रेफ्रिजरेटर जहाँ जो इनमें खाने पीने की कोई भी शै न रखो खास कर पानी या फ्रूट वगैरह या बी का शै वैक्सीन के तरतीब से रखो अण तरतीब से न रखो ये मना थे क्रास माना ये इन ये न कयो ये वैक्सीन के एक बे के मत ये सथे न रखो ये जी आए इनमें ये एक प्लास्टिक ठहल है छबी उनमें ये वैक्सीन रखल ये वैक्सीन भी रखल है उनसे गलो गल मॉनिटर भी रखल है तो सो ये वैक्सीन इस्तेमाल कर सको था। ही हुयो कोल्ड चेन के बारे में जो डिटेल में अवां सा डिस्कस कई कोशिश कई तो अवां के काफ़ी गाल समझाने जी तो उन अलावा भी जैसे अवां के को प्रॉब्लम होजे तवां मुझे व्हाट्सएप नंबर से मुसा राबतो कर सको था। मुझे व्हाट्सएप नंबर है 03161350656। ही मुझे वीडियो जो मैं डाउनलोड क्या तो इनके भी अवां के रिक्वेस्ट तो क्या तो इनके लाइक कियो वीडियो दिसो दोस्तन से शेयर कयो इनते कमेंट्स भी कयो जैसे को का गाल समझ में न अचे तो कमेंट्स कर सको था। वीडियो के सब्सक्राइब कर ये मुझे वीडियो ये पांजे यूट्यूब चैनल जी लिंक है मेहरबानी करे इनते मुझे यो वीडियो दिसो दोस्तन से भी शेयर कर मुखे अवां जी वड़ी मेहरबानी थी। थैंक यू वेरी मच मेहरबानी।